हेलो दोस्तों, आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आरओ से रिलेटेड। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जस जो आप बकेट यूज़ करते हैं और उसमें पानी आप कुछ देर तक भर के रख देते हैं, तो आप देखते हैं उसमें एक लेयर बन जाती है जिसको स्कैलेंड बोलते हैं, जो कि दांतों में भी हमारे लग जाते हैं, एकदम एक परत सी चढ़ जाती है। आप मुझे याद है बहुत पहले रामपुर एक शहर यूपी में है, मैं वहाँ गया था। तो वहाँ पर दोस्तों मैंने देखा था हर घर में जो भी बर्तन थे, आज से करीब होंगे 15 साल पहले कम से कम, जो भी उस घर में बर्तन थे, जो भी बकेट थे, सब एकदम लाल से थे, सब पे स्कैलेंट जमा हो रहा था। अगर दोस्तों ऐसी आपके शहर में प्रॉब्लम है और आप आरओ प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो एक फिल्टर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आज। उस फिल्टर को आप अपने प्योरीफायर के पहले ज़रूर लगवा दें। अगर ये सब आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं कि आप जब देखिए आपका फिल्टर चोक हो रहा है, आपके फिल्टर से पानी नहीं निकल रहा है, पानी निकल भी रहा है तो आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी फेस करनी पड़ रही हैं और आप देख रहे होंगे कि जो भी आपके घर में बर्तन है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पॉट, उसमें देख रहे होंगे लेयर सी बनती जा रही है, तो दोस्तों इसमें लेट मत करिए, क्योंकि अगर इस लेयर को आप देख रहे होंगे बकेट में जम रही है और आप उस पानी को पियेंगे तो आप सोचिए वो बॉडी पे जाके क्या इफेक्ट डालेगी। जाहिर है वो बॉडी में भी जाके जगह जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। पहले हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग थी, हम अच्छा खाते थे, सारा कुछ था, प्योर खाते थे, तो वो सब हमारी बॉडी से लड़ते थे, पर आज ऐसा नहीं है। अब हम सब दवाओं के मोहताज हो गए और हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट चाहिए, ये एक सिनेरियो, ये एक सिम्टम बनता जा रहा है। तो आज मैं आपको उसी पॉइंट को बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या है, आप अगर आरओ प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं उसके मेंटेनेंस को लेके आप बहुत परेशान हैं। आप अगर मेंटेनेंस को लेकर परेशान हैं तो मैं आपको एक फ़िल्टर बताने जा रहा हूँ, उस फिल्टर को आप ज़रूर यूज़ करिए। देखिए ये है दोस्तों एंटी स्कैलेंट, मैंने आपको बताया स्कैलेंट, ये फ्रंट कैमरा है तो इस पर आपको नहीं क्लियर समझ में आएगा, ये एंटी स्कैलेंट है। मैं इसकी आपको इमेज डाल दूंगा इस क्लिप में, तो देख लीजिएगा। तो ये एक एंटी स्कैलेंट, देखिए इसमें आवाज़ भी, इसमें एंटी स्कैलेंट बॉल पड़ी हुई है। इस बॉल का काम ये होता है, जो हमारा डीबी सेट से लाइन चलती है फिल्टर में, हम इसको वहीं पे रास्ते में कनेक्ट कर देते हैं, तो जो भी उस पानी में स्कैलेंट आ रहा है, ये उस स्कैलेंट को वहीं पे काटता रहता है, वहीं पे रोकता रहता है, वहीं पे जो भी उसके समझिए सेल है उनको डिस्ट्रॉय करता रहता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आरओ प्योरीफायर का। अगर आपके शहर में, आपके साइड में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस छोटी सी डिबिया है एंटी स्कैलेंट, इसमें एंटी स्कैलेंट बॉल भरी है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपके मेम्ब्रेन चोक होगी, आपके सारे फिल्टर चोक, क्यों, ये एक लेयर की तरह होती है जो जाके हर जगह जम जाती है, जो हमारे मेम्ब्रेन में होल होते हैं ऊपर साइड जाके उस पर बैठ जाती है। हमारे जो क्या प्री बाउल, मैंने आपको बताया था, प्री बाउल में जो पूरी स्पंज है जाके स्पंज के ऊपर बैठ के उसको एकदम लोहे आयरन की तरह कर देते हैं। ये बहुत ही डैमेज करने वाला मटेरियल है, जो कि अब आप सोचिए एक प्योरीफायर में जा रहा तो उसका ये हाल करे, वो हमारे बॉडी में जाके क्या इफेक्ट करेगा, आप इस चीज़ को सोचिए। अगर आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपने आरओ सर्विस इंजीनियर को कांटेक्ट करिए और उससे ये बोलिए कि आपको एंटी स्कैलेंट बॉल लगवानी है अपने प्योरीफायर के पहले। अगर वो कहता है नहीं ऐसे नहीं है, ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो ये आप खुद समझिए मैंने जो आपको सिम्टम्स बताए हैं, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है। अगर आप चाह रहे हैं कि आने वाले समय में आपको किडनी या ब्रेन हैमरेज या अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस फिल्टर को ज़रूर यूज़ करें। और इसको आपको सिंपल खाली यूज़ नहीं करना है कि आपने पाइप इसमें डाला और पानी इसका यूज़ कर लिया, नहीं, इसके पानी को आरओ प्योरीफायर में जाके, क्योंकि जब ये एंटी स्कैलेंट को रोकेगा तो जाहिर है जो पानी आगे निकले कुछ उसमें ये एंटी स्कैलेंट बॉल का असर, कुछ ना कुछ मटेरियल भी साथ में जाएगा, वो हमारा आरओ प्योरीफायर मेम्ब्रेन और भी फिल्टर प्योरीफायर है जो कि उसको रिमूव करेंगे और रॉ वाटर से बाहर निकालेंगे। ये दो कई काम करेगा, एक तो हमारे फिल्टर को सेव करेगा, हमें सेव करेगा, हमारे फिल्टर के टैंक को सेव करेगा, प्लस जो पाइपलाइन है, जो आप देख रहे हो कहीं कहीं पे तो प्रॉब्लम इतनी है कि हर महीने पूरी पाइपलाइन चेंज करनी पड़ रही है। अगर ऐसी ये सब प्रॉब्लम है तो आप इसको जल्द से जल्द ये एंटी स्कैलेंट बॉल की ये छोटी सी डिबिया लगवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं दोस्तों, तो ये आपको हर 4-6 महीने 8 महीने में आपको पूरा फिल्टर चेंज कराना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आपको इस डिबिया से मिल सकता है। बहुत महंगा नहीं होता है, 200 के अंदर ही मिल जाता है। आप इसको यूज़ करिए और
इसका फायदा देखिए। दोस्तों क्लिप पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए प्लीज, ठीक है? ओके, उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम आप झेल रहे थे तो आज आपको इसका सोल्यूशन मिल गया है। और अगर आपको लगता है कि आपके जानने में कोई इस प्रॉब्लम से परेशान है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करिएगा और उसको बोलिएगा देखे और एंटीस्कैलेंट अपने प्योरीफायर के पहले यूज़ करे, और उसको भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके।